हमने सच्चे आराधिक बनना है, शद्रक मेशक अबेदनगो और ये दानियल के जैसे सच्चे आराधिक बनना है। कब आप ऊंचे किए जाओगे? बोलो क्या है, कब आप ऊंचे किए जाओगे? जब शद्रक मेशक अबेदनगो अपनी उस बात पर खड़े रहे, अड़े रहे और बने रहे। जब राजा नबुकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बना दी और सब नगर के लोगों को, उस देश को बोला कि इस मूर्ति के आगे झुको, क्या करो, झुको, और साथ में एक आज्ञा निकाली, जो नहीं झुकेगा उसे जलते हुए पट्टे में डाल दिया जाएगा। अब डर के मारे सब लोग क्या कर रहे हैं, डर के मारे क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, सब झुक रहे हैं। मरना थोड़ी ना है, क्योंकि जान सबको प्यारी है, पर जो खुदा मन को प्यार करता है अपनी जान की परवाह नहीं करता। बोलो क्या करता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता, खुदा मन को प्यार करता है, उसे परमेश्वर और भी ब्लेस करता है, उसे और भी ऊंचा करता है, जैसे शद्रक और मेशक और अबेदनगो को किया। हाँ, वो डरे नहीं। बोलो क्या है, वो कहते हैं राजा हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। क्या नहीं झुकेंगे, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे आज हमारा परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए, हम ये पाप नहीं करेंगे। आज लोग मसीह में आकर भी पता नहीं क्या क्या ध्यान में, क्या क्या मन में सोचते हैं, सोचते हैं कि नहीं सोचते, पता नहीं अपना ध्यान अपनी बुद्धि कहां कहां पर लगाते हैं। लिखा धन्य है जो यहोवा पर, दाऊद कहता भरोसा रखता है, वो धन्य है, उसे धन्य कहा है परमेश्वर, जो किस पर भरोसा रखता है, किस पर विश्वास रखता है। उसने शद्रक मेशक अबेदनगो ने किसका विश्वास रखा, वो मौत से नहीं डरे, बने रहे, कहते हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं पाप करेंगे, चाहे आज हमारा परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए। और साथ में एक अच्छा अंगीकार किया, हम जानते हैं वो बचाने की शक्ति रखता है, उन्होंने परवाह नहीं की, इसलिए परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया, उस जलते हुए पट्टे को, उस आग की लपकों को परमेश्वर ने, जब वो उस आग में फेंके गए, हाँ, जो से बोलो क्या है, जो उन्हें फेंकने के लिए गए थे, इतनी आग का इतना सेक था, बोलो क्या था, वो वहीं पे उस सेक से उनकी मौत होगी, पर वो तो उस पट्टे में गिर गए, पर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, उनका एक वाल भी नहीं झुलसा। उसी समय परमेश्वर ने उस आग की लपकों को हां शीत ठंडी लहरों के समान बना दिया, और राजा ने अपने सिंहासन से देखा, क्या देखा, कि मैंने तो तीन को इस पट्टे में डाला, चौथा कौन है, चौथा कौन था, मैंने तो तीन को इस पट्टे में डाला था, चौथा कौन है इनके साथ। वो अपने सिंहासन पर ऊपर से बैठा देख रहा है, चौथा आदमी कौन है, चौथा कौन था, बोलो चौथा कौन था, खुदावंद खुद था। बोलो क्या था, वो खुद था, उसका रूह था उनके साथ, वो आप आज आपके भी साथ है। मैंने कहा वो आपके भी साथ है, वो आपके भी साथ है, पर अगर आप उसके नाम का भरोसा रखते। इसलिए जब ऐसा हुआ, वही नबूकदनेस्सर जो कहता था कि जो नहीं झुकेगा वो सांप सबको आग में फेंक दो, वही नबूकदनेस्सर राजा कहता जो अब शद्रक मेशक अबेदनगो का जो परमेश्वर है, जो उसकी आराधना नहीं करेगा, अब वो इस पट्टे में डाल दिया जाएगा। कुछ मिनटों में परमेश्वर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब आप भरोसे में, विश्वास में बने रहते हो, मिनटों में भी परमेश्वर कुछ भी करने की सामर्थ रखता है, कुछ भी करने, पर अपने लास्ट विश्वास में बने रहना। क्यों लिखा, मौत के अंत तोड़ी ताई जो वफादार रहेगा, क्या रहेगा, जो इंसान परमेश्वर के साथ अपनी मौत के लास्ट अंत तक मौत तोड़ी ताई वफादार रहेगा, लिखा वही जीवन के मुकुट का हकदार होगा स्वर्ग का। कौन होगा स्वर्ग का, जो मौत के लास्ट तक, बोलो क्या, मौत के अंत तक वफादार रहेगा,